ब्रह्म समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। यह भारत में प्रथम हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था जिसका संबंध हिंदू धर्म से था। ब्रह्म समाज एक आध्यात्मिक आंदोलन था जो 19वीं शताब्दी में भारत में नव जागरण लाता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। और राजा राम मोहन राय के मित्र है द्वारिकानाथ टैगोर। तो इनकी मृत्यु के बाद, जब इनकी 1833 में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज को संभालते हैं। द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जो 1843 में ब्रह्म समाज की सदस्यता लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1858 में केशव चंद सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य के पद पर नियुक्त किया। जब केशव चंद सेन ब्रह्म समाज के आचार्य बनते हैं तो जो ब्रह्म समाज है उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। अभी तक जो ब्रह्म समाज था केवल बंगाल तक सीमित था, लेकिन केशव चंद सेन के विचारों से प्रभावित होकर ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर आने लगती हैं। तो केशव चंद सेन के उदारवादी विचारों से ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बढ़ती है और ब्रह्म समाज का बंगाल से बाहर विस्तार होकर यूपी, पंजाब और मद्रास में भी होता है। 1865 में केशव चंद सेन को आचार्य के पद से मुक्त कर दिया जाता है। और ऐसा कौन करता है? देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हें आचार्य के पद से हटा देते हैं। हटाने के पीछे रीजन यह होता है कि केशव चंद सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर ब्रह्म समाज को चलाना चाहते हैं और दोनों के सिद्धांत या विचार ना मिलने के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद सेन को आचार्य के पद से मुक्त कर देते हैं। तो ब्रह्म समाज का पहला विभाजन होता है। वो कब होता है? 1865 में होता है। एक बनता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बनता है भारतीय ब्रह्म समाज। जो भारतीय ब्रह्म समाज है वो केशव चंद सेन का है और जो आदि ब्रह्म समाज है वो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर का हो जाता है। तो ब्रह्म समाज का जो पहला विभाजन है वो 1865 में है। तो ये आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में आपका विभाजन हो जाता है। 1873 में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन आचार्य केशव चंद सेन के कारण हुआ। 1872 में आचार्य केशव चंद सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलाने हेतु तैयार कर लिया। आचार्य सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, महिलाओं के उद्धार, महिला शिक्षा आदि सरकारी कार्यों के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करी। आचार्य केशव चंद सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से 1878 में कर दिया, जो ब्रह्म समाज के दूसरे विभाजन का कारण बना। 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन आदि। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए ढांचे और सिद्धांत पर की गई। साधारण ब्रह्म समाज के अग्रणी सदस्यों में शामिल थे शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्रपाल, द्वारिकानाथ गांगुली और आनंद मोहन बोस। सामान्य जन के कल्याण, नारी शिक्षा, अकाल राहत कोष, अनाथालयों की स्थापना आदि की दिशा में साधारण ब्रह्म समाज ने कार्य किया। ब्रह्म समाज के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर एक, ब्रह्म समाज मानता है कि ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। आत्मा अमर है। मनुष्य को अहिंसा को अपनाना चाहिए। सभी मानव समान हैं। अमूलकारी परिवर्तन पर ब्रह्म समाज बल देता है। ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का सार सर्वधर्म संभाव में था। कालांतर में ब्रह्म समाज ने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, कर्म कांड आदि की आलोचना की। ब्रह्म समाज के निम्नलिखित उद्देश्य थे, जैसे नंबर एक, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना, एकेश्वरवाद पर बल देना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना
और इसका उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना। ब्रह्म समाज के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे उपनिषद तथा वेदों की महत्ता को सबके सामने लाना, समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष करना, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के हितों पर बल देना, पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना। ब्रह्म समाज वेस्टर्न एजुकेशन पर बल देता है और वेस्टर्न एजुकेशन पर बल देते हुए भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, उनको मिटाने पर, उनको समाप्त करने पर बल देता है। अब हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज की क्या क्या उपलब्धियां थी जिनके कारण ब्रह्म समाज सफल रहा। 1829 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। समाज में काफी हद तक सुधार आया। समाज में जाति, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव पर काफी हद तक कमी आई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं, उसके क्या कार्य हैं, क्या उपलब्धि हैं और क्या क्या उद्देश्य हैं। क्योंकि जो ब्रह्म समाज है वो ईश्वर कहता है कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद पर बल देता है और आत्मा को अमर मानता है, और साथ ही यह कहता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य को अहिंसा को अपनाना चाहिए, क्योंकि सभी मानव जो है एक समान है। ठीक, तो इस तरीके से हम ब्रह्म समाज के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।